एक साल पहले शगुफ्ता अहमद ने जो कदम उठाया, कई लोग जिंदगी भर उसके सपने ही देखते रहते हैं। उन्होंने अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ी और एक डिजिटल स्टार्टअप खोल लिया। अब उन्हें ऑफिस जाने के लिए मेट्रो में कई घंटे धक्के नहीं खाने पड़ते, ना ही ऑफिस में दिन भर बैठना होता है। वो अपनी मर्जी की मालिक हैं और जब मन हो, जैसा मन हो, वैसे काम करना पसंद करती हैं। दूसरों के लिए काम करते करते आई रियलाइज्ड कि यू नो डिजिटल वर्ल्ड है, तो क्यों ना उसका यूटिलाइज किया जाए, खुद के लिए कुछ किया जाए, खुद का कोई काम किया जाए। देन आई स्टार्टेड अ बिजनेस 1 ईयर अगो, एक साल पहले मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। शगुफ्ता का काम है डिजिटल मार्केटिंग का। अभी वो अपनी टीम को ब्रीफ दे रही हैं। भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ काफी अवसर हैं। मोरक्को में भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं, दुबई में भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं। मेरे कुछ ब्रांड्स हैं जिनके साथ मेरा टाई अप है, तो आई वर्क फॉर देम, मतलब मैं उनका बिजनेस ग्रो करा। 10 साल पहले के भारत में ऐसा फैसला आसान नहीं होता। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी और आज भारत डिजिटल सुविधाओं का फायदा उठाने वाले देशों में सबसे अगली कतार में खड़ा है। लेकिन क्या इंटरनेट की ये क्रांति भारत में सभी को फायदा दे रही है? और उससे भी अहम बात ये कि क्या ये इंटरनेट सुरक्षित है? जैसे एवरी वीक आई थिंक यू आर प्रीटी श्योर कि लोग को इतने सारे स्पैम मैसेजेस आते हैं, एंड द स्पैम मैसेजेस आर नॉट द प्रॉब्लम, द डेटाबेसेस आर द प्रॉब्लम। हाउ डू दे नो हु यू आर, हाउ डू दे नो व्हाट यू आर ट्रांजैक्टिंग। भारत में ज्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल स्मार्टफोन पर ही करते हैं। 2022 में आई ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के अंत में भारत की 96% से ज्यादा आबादी के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं था। भारत में स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट की क्रांति डिजिटल पेमेंट क्रांति का आधार बनी। भारत सरकार हर वैश्विक मंच पर इसे लेकर अपनी पीठ ठोंकती रही है और अब उसका लक्ष्य इसे ग्लोबल बनाने का भी है। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। लेकिन जानकार इस क्रांति के बारे में कुछ और ही सोचते हैं। एक तरफ हमारा देश दुनिया भर में जाके बोलता है कि हमने डिजिटाइजेशन बहुत तेज करा है, हमारे लोगों ने एक्सेप्ट करा है, पर सच्चाई ये है कि हमारे लोगों को फोर्स करा गया ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज्वाइन करने के लिए। यूपीआई किस लिए बढ़ा? डीमोनेटाइजेशन के बाद, यूपीआई के डीमोनेटाइजेशन के बाद, जहाँ पे लोगों के इतने सारे जो नोट थे वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे, लोग कैश लेना बंद कर दिए थे। सो डिजिटल पेमेंट्स का जो देश में ग्रोथ आया है वो आया है क्योंकि लोगों को कैशलेस होने के लिए फोर्स करा गया था। आधार का देखिए ना, आधार के साथ क्या हुआ था, लोगों को मैसेज आ रहे थे कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा, लोगों ने डर डर के आधार पर साइन अप करा है। अब स्मार्टफोन के जरिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल आसान नहीं रहा। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के समय भारत में स्मार्टफोन का औसत दाम 11,000 रुपए के करीब होता था, जो साल 2022 तक 1.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। यानी स्मार्टफोन सभी की पहुंच में नहीं रहे, आंकड़े भी यही बताते हैं। ग्लोबल रिसर्च कंपनी कैंटार के मुताबिक साल 2019 में 44 वर्ष से ज्यादा उम्र के 19% शहरी लोगों के पास स्मार्टफोन थे, जबकि साल 2023 में इस उम्र के सिर्फ 14% लोगों के पास ही स्मार्टफोन थे। हालांकि गांवों में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या में थोड़ी बढ़त जरूर हुई है। भारत में करोड़ों लोगों को सीधे खाते में सब्सिडी दी जा रही है, इससे लाल फीताशाही को कम करने और प्रक्रिया को तेज बनाने में जरूर मदद मिली है। लेकिन ऑनलाइन धोखाधड़ी भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इससे जुड़े आंकड़ों पर भी विश्वास नहीं होता। People are losing heavy money every day. If I could give you some figures, 7,000 cases per day we are receiving in जो गृह मंत्रालय का साइबर क्राइम पोर्टल है। सो आप मान के चलिए 20-25 लाख केसेस पिछले साल करीब आए हैं,
और 12,000 करोड़ का डिस्प्यूटेड क्लेम है और पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया गया है। और ऐसी धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले अपराधी हमेशा जांच एजेंसियों और संस्थाओं के सुरक्षा उपायों से दो कदम आगे रहते हैं। उनके तरीके बहुत ही तेजी से बदल रहे हैं। जैसे आपको कहा गया है कि आप किसी के साथ अपना OTP शेयर मत कीजिए, अगर बैंक ट्रांजैक्शंस की हम प्रिलिमिनरी बात करें तो, लेकिन अब वो OTP मांग भी नहीं रहे। जैसे मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ उसमें ये हुआ कि मैं फ़ोन वॉज हैक्ड, सो OTP मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं थी। आंकड़े बताते हैं कि भारत में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत आम है। आंकड़े इतने ज़्यादा हैं जबकि सारे अपराध रिपोर्ट भी नहीं होते। भारत सरकार की ओर से इस बात के सबूत भी दिए गए हैं कि सीमा पार खासकर चीन जैसे देशों से भी इसके तार जुड़ते हैं और युवा बेरोजगारों को संगठित तरीके से इन अपराधों की ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार इनसे निपटने की स्थिति में नहीं दिखती, बल्कि जानकार मानते हैं कि सरकार का रवैया ही ऑनलाइन अपराधों के बढ़ने की वजह है। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लॉज एंड डिजिटल पॉलिसीज क्रिएट करना और फिर डिजिटल लॉज एंड पॉलिसीज का इन्फोर्समेंट करना और सिग्नल करना, ये सारी तीन स्टेप्स हैं। इन हर तीन एरियाज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम इन्वेस्टमेंट किया है, कम पॉलिटिकल कमिटमेंट डाला है। माई बेस्ट एग्जाम्पल इज इवन बिग स्कैंडल्स, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उस CBI इन्वेस्टिगेशन में कैम्ब्रिज एनालिटिका का कोई अपडेट नहीं है, इट्स गॉन। सेम थिंग अबाउट पेगासस। इसमें कोई शक नहीं कि भारत में इंटरनेट को लेकर कानून बहुत लचर हैं और जानकारों के मुताबिक कानून में सख्ती के जो भी प्रयास हुए हैं वो लोगों को नहीं बल्कि सरकार को ध्यान में रखकर हुए हैं। एंड अल्टीमेटली नाउ द सिंपल थिंग इज कम जून जुलाई व्हेन इलेक्शंस कंक्लूड, व्हिचएवर गवर्नमेंट कम्स इनटू पावर, दे कुड इमीडिएटली स्टार्ट सेइंग वी विल टेक एक्शन, वी विल अपॉइंट अ डेटा प्रोटेक्शन बॉडी, वी विल टेक प्राइवेसी सीरियसली। बट आई फियर कि वो करेंगे नहीं, एंड इन फैक्ट व्हाट दे विल डू इज दे विल टाइटन द पावर्स दे हैव, जो ये उनके पास ये सारे कानून है ऑन what tech companies can do, but they will actually use it to put pressure on companies for other purposes, sometimes political purposes. भारत की शानदार फिनटेक क्रांति पर ऐसे ही डेटा के दुरुपयोग के काले धब्बे हैं। फिर भारतीय फिनटेक जगत के पेटीएम जैसे बड़े खिलाड़ियों का हाल देखकर इसके प्रति दुनिया का उत्साह धीमा हुआ है। साथ ही सस्ते लोन देने वाले चीनी ऐप के दबदबे ने भी फिनटेक क्रांति की छवि धूमिल की है। ऑनलाइन लोन वसूली के किस्से लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा एडटेक क्रांति भी बायजू जैसे बड़े खिलाड़ियों का हश्र देख रही है। हालांकि फिजिक्स वाला जैसे कुछ बड़े एडटेक अब भी मार्केट में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नियमों और कानूनों की कमी के बीच यूजर्स की सुरक्षा भारत में इंटरनेट की सीमाओं को बहुत छोटा कर देती है। शॉप इन इंडिया, कोई भी दुकान से वो बोलेंगे कभी कभी के, और या रेस्टोरेंट में बोलेंगे कि सर आप फ़ोन नंबर अपना दे दो, नाम दे दो। अभी फॉर एग्जाम्पल लास्ट 1-2 साल में कंज्यूमर मिनिस्ट्री, नॉट द मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, बट कंज्यूमर मिनिस्ट्री बोल रहा है कि एक्चुअली आपको कभी वो यू डोंट हैव टू अग्री टू दैट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी कभी वो सर्कुलर भेजते हैं, बट अभी भी हर एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने बोला है कि यू कांट कलेक्ट दिस डेटा। द बिगर इशू इज दैट डेटा इज कलेक्टेड, इट्स सोल्ड टू समबडी एल्स, वो फिर इट्स सोल्ड टू लार्जर कंपनी जो ये डेटा ब्रोकर्स होते हैं। आप पहले एयरपोर्ट पर अपनी शक्ल दिखाते थे, अब आप अपनी शक्ल स्कैन कराते हैं, फर्क है। भारत में इंटरनेट गुणवत्ता भी औसत दर्जे की है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में स्थितियां बदली हैं, फिर भी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक साल 2023 में भारत मोबाइल डाउनलोड स्पीड के मामले में 56वें नंबर पर और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में 84वें नंबर पर था। साथ ही संकट की स्थिति में बड़े इलाकों में इंटरनेट बंद करने के लिए भारत सरकार आलोचना भी झेलती रही है। लेकिन भारत में फेक न्यूज़ के विस्तार पर इन चीज़ों का कोई खास असर नहीं हुआ है। खासकर ग्रामीण इलाकों में स्थिति काफ़ी बुरी है और भारत में कई लोगों के लिए सोशल मीडिया खबरों का मुख्य स्रोत है, जहां कानूनों के अभाव और सोशल मीडिया कंपनियों की लापरवाही के चलते कई बार फेक न्यूज़ आसानी से फैलती जाती है। कुछ मामलों में तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैली इन फेक न्यूज़ के बहुत घातक परिणाम देखने को मिले हैं और इनके चलते लोगों की जान गई है। ऐसे में भारत में इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के लिए क्या किया जा सकता है? इसमें मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। मीडिया कंपनीज को एक एंटिटी ऐसा बनना होगा जिसको लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। हमें इस तरह से काम करना है कि वो हमारे पास आए और हमसे समझें। और कोई सोल्यूशन इसका है नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को
इस टेक्नोलॉजी को, किसी भी टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता, उस पर कंट्रोल्स ला सकते हैं, पर काफ़ी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जिन पर कंट्रोल्स आप ला ही नहीं सकते। इंटरनेट पर पहुंच के मामले में महिलाएं पुरुषों से पीछे ही हैं। लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिला यूजर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले आधी या उससे भी कम है। शगुफ्ता आज अपने काम का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देते हुए इस स्थिति को भी बदल रही हैं, लेकिन वो कहती हैं कि इंटरनेट सुरक्षा अब भी बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे साथ हुआ था एक बार, मतलब इट्स नॉट अबाउट दी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड तो नहीं था, बट फेक आईडी से रिलेटेड था। पीपल यूज टू मेक योर फेक आईडीज, फेक अकाउंट्स, और जो भी हमारा डेटा होता है वह आउट हो जाता है। शगुफ्ता टेक्नोलॉजी से अच्छी तरह वाकिफ हैं और जानती हैं कि ये कैसे काम करती है, फिर भी अगर वो इस तरह के फ्रॉड के दायरे में आ सकती हैं तो आम लोगों के लिए इससे बचना कितनी बड़ी चुनौती है आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए इंटरनेट और इसके इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट और कड़े नियम और ज़रूरी हो जाते हैं।